एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, क्या आपको भी अधूरी चीज़ों से प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे प्रॉब्लम है अपने भाई की अधूरी ड्राइंग से। हर बार ऐसा होता है कि वो कोई भी चीज़ें ड्रॉ करना स्टार्ट करता है एंड एट द लास्ट ही वाज लाइक कि बस हो गया, अब मुझसे नहीं हो रहा और मैं इसे पूरा नहीं करने वाला। तो उसकी मैक्सिमम ड्राइंग्स ऐसी ही हैं जो कि अधूरी हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि ठीक है, मैं उसकी अधूरी ड्राइंग को पूरा कर दूँ। तो आई डोंट नो कि कैसा ये होने वाला है, बिकॉज इट्स क्वाइट अ चैलेंज फॉर मी। आप वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, ये मेरे भाई की स्केच बुक है। एज यू कैन सी, ये हल्क बनाया हुआ है और ये बड़ा हल्क। मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसा हुआ था ना कि पहले उसने थोड़ा सा छोटा बना लिया था एंड उसने कहा मुझसे कि मैं दोबारा बनाऊँगा, तो उसने दोबारा उसे बनाया। और ये मेरे ब्रस्ट्रो के वाटर कलर पेंसिल्स हैं, तो मैं इन पे पेंसिल्स यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज़ अभी ये प्लेन शीट है, खाली लाइंस, रफ़ लाइंस खींची हुई है। ये वाटर कलर पेंसिल्स है, यानी कि जब हम इन पेंसिल्स को यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद हम अगर वाटर यूज़ करेंगे तो ये वाटर कलर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो गाइस, सबसे पहले मैं डार्क शेड यूज़ करने वाली हूँ। एज़ वी ऑल नो कि ये हल्क का ड्राइंग है, तो साफ सी बात है ग्रीन कलर तो होगा ही। तो जब भी हम इस तरीके से कलरिंग करते हैं ना, तो हर किसी का अपना स्टाइल होता है, अपना फॉर्म होता है, स्पेशली जब हम पेंसिल कलर से ड्राइंग करते हैं। मैं हमेशा डार्क शेड को पहले यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं लाइट टू डार्क जाती हूँ तो मेरी जो डार्क कलर की शेड होती है ना, वो बहुत अच्छे से नहीं कलरिंग कर पाती है। तो इस वजह से मैं पहले डार्क यूज़ करूँगी एंड आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा डार्क से लाइट शेड को यूज़ करूँगी एंड उसके बाद मैं सबसे लाइट शेड यूज़ करूँगी, ताकि अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए। तो अभी ब्लेंडिंग के लिए मैं जो बेबी ऑयल होता है उसको यूज़ करने वाली हूँ। बेबी ऑयल बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेता है, बहुत आराम से बेबी ऑयल से ब्लेंडिंग हो जाता है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं बेबी ऑयल से ब्लेंडिंग करना। तो हमने करना क्या है कि सबसे पहले शीट पे हमने बेबी ऑयल रब कर लेना है, जितने एरिया में आपने ड्रॉ करना है। एंड आफ्टर दैट होता क्या है कि शीट वेट हो जाती है, जिस वजह से जब हम कलरिंग करेंगे तो हल्के प्रेशर से आपका जो टोन है ना, वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत निखर कर आता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे लगा कि थोड़ा सा डार्क कलर कम है, डार्क शेड थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि ये रियलिस्टिक दिखने के लिए ना दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो शेडो दिखाना, उसके अलावा जो लाइट एरिया है उसको दिखाना। तो यहाँ पर जो शेडो है वो बहुत अच्छे से नहीं नज़र आ रहा, डार्क कलर थोड़ा सा कम है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, पहले मैं ब्लैक कलर को यूज़ करूँगी, ब्लैक के बाद मैं डार्क ग्रीन यूज़ करूँगी एंड डार्क ग्रीन के बाद मैं थोड़ा सा उसकी कम लाइट शेड यूज़ करूँगी एंड द लास्ट मैं थोड़ा सा और लाइट शेड यूज़ करूँगी, ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आप ब्लेंडिंग के लिए वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे लगता है कि जब हम वाइट कलर यूज़ करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा फेड हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप बेबी ऑयल यूज़ कर लो और उसके बाद कलरिंग करना शुरू करो। जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना, वो जितने अच्छे अट्रैक्टिव लगते हैं, उनको ड्रॉ करने पे उतनी ही मेहनत होती है। क्योंकि पता है, हम बहुत बार ऐसी गलती कर लेते हैं ना कि जब हम ब्राइट कलर्स ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो डार्क शेड होती है उसको हम बहुत प्रेशर से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। बट ऐसा मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो लेयरिंग नहीं हो पाती है कलर्स की। तो वो ना एकदम 2D आपको लुक देगा, 3D लुक नहीं देगा। तो इस वजह से पहले थोड़ा सा डार्क शेड यूज़ करना, बट प्रेशर नहीं देना बहुत ज़्यादा। फिर लाइट शेड यूज़ करना, फिर उसके बाद आपको अगर कमी लग रहा है तो आप फिर से डार्क शेड यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद ब्लेंडिंग के लिए आप सबसे जो लाइट कलर होता है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। बट या, हर चीज़ टाइम लेती है, तो आराम आराम से करना है, कम प्रेशर के साथ करना है, एकदम जल्दबाजी में बिल्कुल कलरिंग मत करना। सो गाइस, फेस ड्रॉ करने का जो फेज़ होता है ना, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मुझे ना बहुत प्रॉब्लम आता है ऐसे छोटे छोटे, मतलब छोटी चीज़ें ड्रॉ करने पे, बिकॉज़ मेरे कलर्स जो है ना वो बहुत पॉइंटेड नहीं रह पाते हैं। तो मेरे को लगा था ना कि ये थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लग रहा है, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि क्योंकि हल्क एकदम एंग्री मैन टाइप होते ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आउटलाइन कर लेती हूँ जिसको मैं आग का फॉर्म दूंगी। सो या हेयर इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।